एक बार की बात है, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि पृथ्वी का पहला चक्रवर्ती राजा कौन थे। बच्चों में से एक टैलेंटेड बच्चे ने बोला, पृथ्वी का विजेता अलेक्जेंडर, जो कि 326 बिफोर क्राइस्ट जन्म हुए थे। टीचर बोले, गलत जवाब। फिर कहने लगे, उनसे 150 साल पहले एक चक्रवर्ती राजा का जन्म हुआ था, उनका नाम था गौतम बुद्ध। बच्चे ने कहा, सर, गौतम बुद्ध तो उनके राज्य के साथ साथ सारे धन संपत्ति छोड़कर एक भिक्षु बन गए थे, तो वो भला कैसे चक्रवर्ती राजा हो सकते हैं। फिर उनके टीचर कहने लगे, तो चलो बताता हूँ। जब अलेक्जेंडर पृथ्वी विजय करने के लिए निकल पड़े, तो उस समय के दार्शनिक डियोजिन्स उन्हें कहते हैं, इतना धन संपत्ति सोना चांदी रहकर भी आपका लोभ खत्म नहीं हो रहा, आप एक राजा हैं या एक भिखारी। लेकिन जब गौतम बुद्ध भीख मांग रहे थे, तब श्रावस्ती के लोग उन्हें देखकर कहते हैं, देखो इन्हें, इनके राजपद और इतने सारे धन संपत्ति होने के बावजूद उन सभी को ठुकरा कर यहाँ चले आए, इनसे बड़ा धनी और कोई हो सकता है क्या? इन्हें कभी साधारण भिक्षु मत समझना। फिर टीचर कहने लगे, अलेक्जेंडर पृथ्वी विजय कर लिया था, यह सच है, लेकिन गौतम बुद्ध को देखो, उनका ख्याति सारा ब्रह्मांड में फैल गया, एक धर्म में परिवर्तन हो गया, सारा ब्रह्मांड उनके अधीन में आ गया। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तब भविष्यवाणी हुआ था कि वो एक चक्रवर्ती राजा होंगे, और यही हुआ। बड़े बड़े राजा उनके शरण में आए, उनके धर्म के मार्ग में चलने लगे। इतना कहकर टीचर उनके स्टूडेंट्स को समझाने लगे कि बहुत सारा धन संपत्ति हासिल करना वास्तविक में विजयी पाना नहीं होता, लोगों के मन में खुद के लिए एक जगह बनाना ही होता है वास्तविक में विजयी पाना। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से और आपको क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।